हेलो फ्रेंड, दीदी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम और मेथी की एक अच्छी सी सब्जी, जिसके लिए हमने 4-5 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं, मशरूम कटा हुआ है, मूंगफली है, काजू है, कटा हुआ प्याज है और थोड़ा सा एक मुट्ठी हमने मेथी लिया हुआ है जो हमारे गार्डन का है। तो अभी हम इसको सारा को एक फ्राई करके अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये देखिए, हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल रखा है जो गर्म हो रहा है। उसके बाद हम इसमें खड़ा मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, जिसमें हमने जीरा लिया हुआ है, दालचीनी है, एक खड़ी इलायची है, 2 लौंग है। इसको डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ में हम ये प्याज, जो हरी मिर्च, प्याज, काजू है, सारा एक फ्राई करना है, जो रखनी कटा हुआ है। ये जब तक हल्का सा फ्राई होता है तब तक हम मशरूम और मटर को हल्का सा बॉईल कर लेते हैं। तरी मटर है और मशरूम है, इन दोनों एक साथ ही हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई नहीं, थोड़ा सा उबाल लेंगे, हल्का सा बॉईल कर देंगे। प्याज हमारा फ्राई होने लगा है, बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब इसमें कोई सा भी हम मिक्स मसाला, जैसे कि जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, ये सारा एक साथ मिला करके हल्का सा भून लेंगे। तो हमने सारे सब्जी मसाले मिला रखे हैं जिसमें सारा कुछ है, और नमक डाल के हल्का सा भून के टमाटर डाल के पका लेंगे। ये देखिए, हमने टमाटर डाल दिया है, साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर, प्याज, जो भी मसाले अच्छे से मिल जाएँ और पक जाएँ। तो इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, हमारा मटर मशरूम जो मैंने बॉयल करने के लिए रखा था, 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये बॉयल हो चुका है। तो अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए, मसाला बिल्कुल मेरा पक चुका है, अच्छे से भुन चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमने भून के रखा हुआ था, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया हमने, और साथ में मटर और मशरूम भी उबाल लिया, थोड़ी सी मेथी है उसको भी हमने रख लिया है। और ये देखिए, कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल, क्योंकि मसाला पहले से हमारा भुना हुआ है तो इसलिए तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें हम जरा सा जीरा डाल के हल्का सा पहले मेथी भून लेंगे, बाद में हम मसाला डालेंगे इसमें। तो चलिए मेथी भून लेते हैं। ये देखिए, हमारे तेल में मैंने जीरा डाल दिया है, साथ में जो एक मुट्ठी मेथी रखी है हमने वो भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। देखिए, लगभग वो हमारी मेथी हो चुकी है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी मेथी थी और तेल गर्म था तो तुरंत हो चुका है। अब इसमें हम मटर और मशरूम जो उबला हुआ रखे हैं वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। मटर और मशरूम दोनों अच्छे से फ्राई हो चुका है, क्योंकि मसाला मेरा फ्राई है पहले से। उसके बाद हम इसमें डाल के अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, जो हमने ग्रेवी तैयार की थी वो मटर और मशरूम के साथ डाल दिया है। इसका कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए। अभी थोड़ी देर में इसको पकाएंगे, 5 से 7 मिनट, उसके बाद गैस बंद कर देंगे और हमारा मटर मशरूम और मेथी की सब्जी तैयार हो जाएगी। तो आप भी बनाएं, हमें बताएं कैसा लगा। दीदी की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।